हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ताज गाय यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा स्काडा क्या है। अगर आप लोग रोलिंग मिल में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि एक पुलपिट रूम होता है, उस पुलपिट रूम में बैठा ऑपरेटर पूरे मिल को ऑपरेट करता है, ठीक है, वहाँ से बैठे पूरे मिल को चलाता है। अगर आप लोग पुलपिट में नहीं गए होंगे तो आप लोग जाइए, वहाँ पे देखिए एक डेस्कटॉप लगा रहता है, कंप्यूटर जैसे होता है, आप लोग कंप्यूटर बोलते हैं उसको, डेस्कटॉप बोला जाता है। उसमें जो डिजाइनिंग किया रहता है ना, उसमें जो प्रोग्रामिंग किया गया रहता है स्टैंडों का, ठीक है, जितने स्टैंड अपने मिल में होते हैं या फ्लाइंग शेयर होता है उसको कई लोग कंटिन्यूस शेयर बोलते हैं, ठीक है, उसमें टेल ब्रेकर भी डिजाइनिंग क्या रहता है, ट्विन चैनल वन, ट्विन चैनल टू, सब मतलब सब उसमें डिजाइनिंग रहता है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पुलपिट में जाइए, आप लोग देखिए जो जो डेस्कटॉप के स्क्रीन पे दिखता है उसी को बोलते हैं स्काडा, वो जो डिजाइनिंग रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्काडा। ये जो हमारे सामने पूरा दिख रहा है ना, यही है स्काडा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अच्छा लगता है ज़्यादा लाइक करते हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमको सपोर्ट करिए, सपोर्ट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बना के अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा कर्सर है, ये कर्सर, इसको मैं कर्सर के थ्रू ही आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कर्सर है मेरा, अभी ऊपर में यहाँ पे TMT बार MM पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं हमारे मिल का जो अभी साइज चल रहा है 16 mm साइज चल रहा है, और जो मिल स्पीड है 8 MPS है। कितना है मिल स्पीड? 8 MPS। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा TMT साइज है ना 16 mm है और मिल स्पीड 8 MPS है, यानी कि TMT देख सकते हैं साइज ज़्यादा हो रहा है और मिल स्पीड कम हो रहा है, यानी कि अगर TMT साइज बढ़ेगा तो मिल स्पीड घटेगा और TMT साइज घटेगा तो मिल स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि सीधे इसके ऑपोजिट है, ओके। तो ये आप लोग समझ गए। यहाँ पे देख सकते हैं मिल स्पीड 8 है ना, यानी MPS, यानी कि 8, ये जो 8 है वो मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से हमारा जो है ये 16 mm का साइज हमारे मिल में चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये मिल स्पीड पे कैलकुलेशन पे आप वीडियो चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, मैं इस पे भी वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, एक एक स्टैंड के बारे में बताऊँगा, कौन सा स्टैंड के बाद कौन स्टैंड आता है और सबका अलग अलग काम है, क्या क्या काम है, सबको एक एक करके आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये एक नंबर स्टैंड है, ये वाला एक नंबर स्टैंड है, ये वाला दो नंबर स्टैंड है, ये थर्ड, ये फोर, ये आपका उसके बाद आ जाएगा पिंच रोल, ठीक है, उसके बाद पिंच रोल आ जा रहा है, उसके बाद आपका CCS1 आएगा, CCS1 के बाद C5 आ रहा है, यानी कि पांच नंबर स्टैंड, ये छः नंबर स्टैंड है, ये आपका 7 नंबर स्टैंड है, ये 8 नंबर और ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, उसके 10 नंबर के बाद जो है ना CCS2 है। इन सब के बारे में बताऊंगा एक एक करके कि सबका काम क्या है, सबका अलग अलग काम है, मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है, एक एक करके बताऊंगा। उसके बाद आपका C11 है, C12 है, यानी C13 है, C14 है, यानी कि टोटल 1 से लेके 14 तक हमारा स्टैंड है, ठीक है। हमारा कितना स्टैंड है? 1 से लेके 14 तक स्टैंड है, 1 से लेके 14 तक। उसके बाद जो है ना ब्लॉक मिल पिंच रोल, ठीक है, ये B फॉर ब्लॉक, M फॉर मिल, P फॉर पिंच, R फॉर रोल, ब्लॉक मिल का ये पिंच रोल है, ठीक है। ये DS का मतलब होता है डिस्क शेयर, DS का मतलब क्या होता है? डिस्क शेयर, DR का मतलब होता है ड्रम शेयर, ठीक है, यस नहीं है लेकिन वहाँ ड्रम शेयर ही होगा, ठीक है, डिस्क शेयर, ड्रम शेयर। उसके बाद आपका BM का मतलब होता है ब्लॉक मिल, ठीक है, यानी कि ब्लॉक मिल में जो बड़ी सी मोटर लगी रहती है ना, ये उसका है, जो स्टैंड जितने मतलब अगर 4 स्टैंड है तो 4 स्टैंड लगाने के लिए, चलाने के लिए आपको वहाँ पे एक मोटर लगा होता है ब्लॉक का, वो उसका है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा आपका TMT का हो गया, सॉरी ये मिल एंट्री का हो गया, ये किसका था? आपका मिल एंट्री का था, ठीक है। अब हम चलेंगे TMT में चलेंगे तो TMT में क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो आगे हम लोग TMT में, तो यहाँ पे देख सकते हैं TMT में है ना, ये आपका पिंच रोल है, ठीक है, ये पिंच रोल है, ये इंटरमीडिएट पिंच रोल है, ये आपका
पोस्ट पिंच रोल है, ये प्री पिंच रोल है, इंटरमीडिएट है, ये आपका पोस्ट पिंच रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके लिखा है आफ्टर ए फॉर ऑफ आफ्टर ब्लॉक मोटर प्री प्री पिंच रोल सॉरी आफ्टर ब्लॉक मिल पिंच रोल एक, आफ्टर ब्लॉक मिल पिंच रोल टू, आफ्टर ब्लॉक मिल पिंच रोल तीन। तो ऐसे करके लिखा हुआ है, जो मतलब ब्लॉक के बाद जो भी पिंच रोल आता है वो ऐसे करके लिखा है आफ्टर ब्लॉक मिल पिंच रोल एक, आफ्टर ब्लॉक मिल पिंच रोल टू, आफ्टर ब्लॉक मिल पिंच रोल थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं प्री पिंच रोल, इंटरमीडिएट पिंच रोल, पोस्ट पिंच रोल, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट पिंच रोल के बाद आता है सी एस और एफ एस, यानी कि कंटिन्यूअस शेयर, और एफ एस का मतलब होता है फ्लाइंग शेयर। तो जो माल कटिंग करता है उसी को बोलते हैं फ्लाइंग शेयर या कंटिन्यूअस शेयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद आता है टेल ब्रेकर, टीबी वन, टीबी टू, यानी कि टी फॉर टेल, बी फॉर ब्रेकर, यानी कि टेल ब्रेकर वन, टेल ब्रेकर टू। अब यहाँ पे उसके बाद जो आता है ना टी सी वन, टी सी टू, टी सी वन का मतलब होता है ट्विन चैनल वन, ट्विन चैनल टू। उसके बाद आता है रैक, रैक कई जगह क्या होता है ना कि जो रैक होता है ना वहाँ पे रैक नहीं होता है, वहाँ पे कन्वेयर होता है, सॉरी चैन कन्वेयर होता है, ठीक है, चैन टाइप का लगा रहता है, वो चैन पे सरिया गिरता है और चैन के थ्रू आगे जाता है माल। कई जगह क्या होता है रैक लगा होता है जिसमें माल गिरता है तो वन बाई वन करके उठा के आगे लेके जाता है, तो ये रैक है, ठीक है। ये दोनों लाइन में नहीं है, ठीक है, अलाइनिंग रोलर है, ये भी अलाइनिंग रोलर है, ये दोनों अभी लाइन में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका चैन ट्रांसफ़र है, तो चैन ट्रांसफ़र के बारे में कोई खास नहीं है, जो भी हमारा मेन था यहीं तक था, जो ट्विन चैनल वन, ट्विन चैनल टू, उसके बाद रैक, ठीक है, ये यहीं तक हमारा लास्ट होता है प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मिल एंट्री से बताता हूँ। मिल एंट्री में क्या होता है, सबसे पहले हमारा माल जो होता है ना सीसीएम से हमारा जो बिलेट आता है ना वो रफिंग में जाता है, पहले सबसे पहले कहाँ जाता है, रफिंग में जाता है। तो रफिंग में जाता है तो तीन चार पास होके निकलता है, जब तीन चार पास होके अपने साइज में आके निकलता है ना तो वो पहले नंबर स्टैंड में लगता है, C1 में लगता है, C1 में लगता है, C2 में लगता है, C3 में लगता है, C4 में लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका पिंच रोल में जाता है, लूपर से होते हुए पिंच रोल में जाता है। पिंच रोल क्या करता है, उसको माल को पिंच करके आगे भेजता है, यानी कि जब आगे भेजता है तो CCS1 तक आता है। CCS1 का क्या काम है, ये क्या करता है, ये हेड और टेल को काटता है, हेड और टेल को काटता है, यानी कि जैसे ही पिंच रोल में आता है, पिंच रोल थोड़ा सा आगे भेजता है दबा के इसको, CCS1 में आता है, CCS1 क्या करता है, हेड को काट देता है। हेड जैसे काटेगा वैसे आगे माल चला जाएगा C5 में, C5 में जाने के बाद ये जो हमारा पिंच रोल है ना ये छोड़ देता है, ठीक है। छोड़ने के बाद माल आगे जाएगा, 6 में जाएगा, फिर 7 में जाएगा, 8 में जाएगा, फिर 9 में जाएगा, फिर 10 में जाएगा, ठीक है, और 10 में जाएगा तो लास्ट में जो हमारा माल रहेगा ना टेल, वो टेल क्या करेगा, CCS1 हमारा काट देगा। फिर हमारा जो माल है होते हुए ये 10 से होते हुए सीधे हमारा चला जाएगा कहाँ, ब्लॉक मिल का जो पिंच रोल है ना वहाँ चला जाएगा। अभी देखिए ये CCS जो 2 है, CCS 2 को हम नहीं बताए हैं, ये रियर केस में इसको हम चलाते हैं। जैसे मान चलिए इधर में माल कहीं हमारा कोबल हो गया, माल मार दिया, ठीक है, किसी कारणवश माल इधर उधर लूप बना दिया या कुछ भी हो गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, CCS 2 को चला के कोबल करते हैं, ठीक है, कोबल करते हैं तो हमारा जो मतलब मिसरोल वगैरह मतलब कम हो जाता है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं रहता है। ये क्या करता है, CCS 2 काट के एक जगह मतलब नीचे वो जो भी होता है उसको नीचे गिरा देता है, ठीक है, माल को नीचे गिरा देता है। तो यहाँ पे उसके बाद जो हमारा C10 से जो माल आएगा वो सीधे हमारा कहाँ जाएगा, ब्लॉक मिल का जो पिंच रोल है ना उसमें जाएगा। उसमें जाने के बाद वो जैसे ही उसमें पकड़ेगा, उस पकड़ के आगे भेजेगा कहाँ तक, ब्लॉक मिल में भेज देगा। ब्लॉक मिल में जैसे पकड़ेगा ऑटोमेटिक वो छोड़ देगा, पिंच रोल छोड़ देगा। छोड़ने के बाद ये जो हमारा ब्लॉक मिल का पिंच रोल है ना, यहाँ से जैसे माल जाएगा डिस्क शेयर में, डिस्क शेयर क्या करता है, ये भी हेड टेल काटता है, ठीक है,
ये हमारा हेड काटेगा, हेड जैसे ही काटेगा माल आगे जाएगा तो ड्रम शेयर में जाएगा, ड्रम शेयर क्या करेगा इसको जल्दी जल्दी काट के नीचे गिरा देगा, फिर आगे माल जैसे ब्लॉक मिल में जाएगा, ब्लॉक मिल में जाने के बाद हमारा ये पिंच रोल छोड़ देगा पंच, ठीक है। उसके बाद जैसे ही माल जाते जाते आगे चला जाएगा, तो आगे जाने के लिए मैं आपको TMT में लेके चलूँगा, तो चलिए TMT का खोल लेते हैं। तो जैसे ही ब्लॉक से निकलेगा वो कहाँ जाएगा, पिंच रोल वन में जाएगा, यानी कि प्री पिंच रोल हमारा वन में जाएगा। उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट में जाएगा, इंटरमीडिएट में जाने के बाद हमारा पोस्ट में जाएगा, पोस्ट में जैसे ही जाएगा पोस्ट में जाने के बाद हमको वो पोस्ट पिंच रोल किसको दे देगा, CCS1 को, CCS1 में जाएगा, सॉरी ये जो हमारा पोस्ट पिंच रोल है ना वो आपको सीधे देगा टेल ब्रेकर वन को, ठीक है, वन को देगा फिर टू को देगा, वन को देगा फिर टू को देगा, मतलब वन बाई वन करके देगा। अब वो प्रोसेस कहाँ से होता है, ये CCS1 से होता है। इसमें क्या है, आगे में ये नीचे देख सकते हैं इसका डिजाइन बना हुआ है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, ये प्री का है, इंटरमीडिएट का है, पोस्ट का है, ये आपका फ्लाइंग शेयर का है, ठीक है, ये टेल ब्रेकर वन का है, टेल ब्रेकर टू का है। तो अभी नीचे में आप देख सकते हैं, ये ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे माल अभी लगेगा तो ये प्री पिंच रोल इंटरमीडिएट को देगा, इंटरमीडिएट पोस्ट को देगा, पोस्ट क्या करेगा हमारा जो फ्लाइंग शेयर है ना, फ्लाइंग शेयर में जाएगा। फ्लाइंग शेयर में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक शिफ्टर लगा होता है, शिफ्टर जो ऐसे ऐसे शिफ्ट करता है, कॉम्बिनेशन शेयर के पास आप जाइएगा कभी भी तो वहाँ पे शिफ्टर लगा होता है, वो ऐसे ऐसे शिफ्ट करता है, वो एक नंबर में भेजता है ट्विन चैनल, सॉरी टेल ब्रेकर वन में भेजेगा फिर टेल ब्रेकर टू में भेजेगा, ठीक है। वहाँ पे ये देखिए अभी लेफ्ट राइट लिखेगा, ये अभी राइट में है, राइट पोजीशन में है, अभी ये लेफ्ट हो जाएगा, देखिएगा कुछ टाइम अभी ये लेफ्ट होगा, ठीक है, अभी ये फ़िलहाल में राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये देखिए ये लेफ्ट हुआ, ये भी लेफ्ट हुआ, तो यानी माल हमारा लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारा जो डाइवर्टर है ये राइट में हो गया, ये हमारा शिफ्टर है ये भी राइट में हो गया। तो ये जैसे माल, जैसे मान चलिए हमारा माल यहाँ से निकल के गया किसमें, टेल ब्रेकर वन में गया, ठीक है, हमारा माल निकल के टेल ब्रेकर वन में गया, तो ये क्या हुआ, ये नीचे आ जाएगा, सॉरी जैसे ही हमारा माल टेल ब्रेकर वन में जाएगा तो ये जो हमारा शिफ्टर है ना, ये जैसे माल पकड़ लेगा ना तो ये खींच लेगा, ये कटिंग कर देगा, जितने 16 mm का जितना जितने पे कटिंग करता है वो कटिंग करके ये उसको ऊपर भेज देगा, ऊपर भेजने के बाद ये हमारा जो है टेल ब्रेकर टू में भेज देगा, टेल ब्रेकर टू जैसे खींच लेगा फिर ये शिफ्टर हमारा नीचे चला आएगा और हमारा डाइवर्टर भी मतलब इधर उधर होता रहता है, डाइवर्टर नहीं रहता है 16 के माल में बट शिफ्टर से ही काम चलता है, शिफ्टर जो है इधर उधर शिफ्ट करके अपना वो कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है टेल ब्रेकर का काम है कि जो माल स्पीड से मिल में आता है ना, मिल से आता है ना, वो क्या करता है टेल ब्रेकर उसको ब्रेक करने का काम करता है, एक तरीके से ब्रेक करता है, ब्रेक करके ट्विन चैनल वन में भेजता है, टेल ब्रेकर वन ट्विन चैनल वन में भेजेगा, टेल ब्रेकर टू ट्विन चैनल टू में भेजेगा, ठीक है, ट्विन चैनल टू में भेजेगा, टेल ब्रेकर टू ट्विन चैनल टू में भेजेगा। उसके बाद वो रैक से, सॉरी ट्विन चैनल से क्या होता है, माल नीचे गिरता है कहाँ, रैक पे। तो ये था छोटा सा प्रोसेस स्काडा का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए।